All right. So good evening, everyone. Many of you might already know me. I'm Janvi from Team Sahai, and our today's community call session is on the procurement process of Sahai. तो आज का जो हमारा कम्युनिटी कॉल है वो सहाय के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के ऊपर है. पहले भी हमारा इस टॉपिक पर मीटिंग हो चुका है एंड वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. डेट्स वाई ये सेशन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आपका जो डेली का प्रोक्योरमेंट रहता है कि कौन सी प्रोडक्ट मंगवानी है, कितनी क्वांटिटी में, कहाँ से मंगवानी है, उसमें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. तो उसी के लिए जो हमारा AI एड ऑन है, जिन्हें नहीं पता है, Evital Rx का एक AI असिस्टेंट भी है दैट वी कॉल्ड सहाय, जो आपके प्रोक्योरमेंट में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, कस्टमर सर्विस में आपको हेल्प करता है. सो सहाय बेसिकली हेल्प्स यू इन थ्री एस्पेक्ट्स टू मैनेज योर इन्वेंट्री एफिशिएंटली, फॉर योर फास्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड एक्यूरेसी, एंड टू इम्प्रूव योर कस्टमर सर्विस. ओके, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. आई हैव फ्यू पॉइंट्स टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू. तो एक इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे इसे. इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो. यस मैम. ओके. सो जो आपका डेली का परचेस होता है कि परचेस में आप क्या क्या करते हो, उसमें फर्स्ट थिंग आती है कि आज की शॉर्ट आइटम्स कितनी है जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम चली गई है, वो आप आइडेंटिफाई करते हो एवरी डे या जब भी आप परचेस करते हो. कहाँ पे ऑर्डर देना चाहिए, वहाँ पे क्या स्कीम है, जो अगर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वहाँ पे जाके स्कीम चेक करते हैं कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल है, या जो सप्लायर होता है उसका खुद का भी एक पोर्टल होता है जहाँ पे स्टॉक की अवेलेबिलिटी चेक करते हैं. उसके बाद उसका फाइनल इनवॉइस बनाते हैं कि उनको कितनी प्रोडक्ट बेचनी है, भेजनी है हमको. दो तरह के प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं अभी तक. या तो आप मैन्युअली एक पेपर में उनको आइटम्स लिखते हो कितनी क्वांटिटी में चाहिए, और फोन पे ऑर्डर लिखवाते हो, या तो आप अगर कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो एक फॉर्मल आप उनको इनवॉइस बना के देते हो, और जब परचेस आ जाती है तो कंपेयर करते हो कि क्या मंगवाई थी, क्या प्रोडक्ट नहीं है. ये तीन बेसिक स्टेप होते हैं परचेस में. और इतना टाइम कंज्यूमिंग और इतना हार्ड क्यों है प्रोक्योरमेंट? आपका डेली का मेजोरिटी टाइम इसी में चला जाता है क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, वास्ट अमाउंट ऑफ SKUs. सिंस यू हैव वेरी वास्ट अमाउंट ऑफ SKUs, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक विच आइटम इज इन शॉर्ट एंड विच आइटम इज इन ओवरस्टॉक. एंड सिंस एवरी ह्यूमन इज प्रोन टू एरर्स, तो कहीं कहीं गलती होने के भी चांसेस आपके रहते हैं. एंड समटाइम्स इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी अदर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और एनी वेंडर्स पोर्टल, देन You do not know what is the current scheme. अभी स्कीम चेंज हो गई है, 3 महीने पहले कौन सी स्कीम थी, ये सारी चीजें फिगर आउट करना है. इसीलिए प्रोक्योरमेंट सबसे बड़ा हेडेक रहता है. ऑटोमेटिंग द परचेज इज बेनिफिशियल. सो वाई वी आर एडवाइसिंग यू कि आपका जो मैनुअल प्रोसेस है उसको आप ऑटोमेशन पे लेकर आओ, क्योंकि स्टॉकआउट एंड ओवर स्टॉकिंग, जो प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है दैट वी आर ओवर स्टॉकिंग, एंड जहां पे कस्टमर की डिमांड ज्यादा है समटाइम्स वी मिस आउट ऑन दोज थिंग्स, ऑन दोज आइटम्स, एंड वी एक्सपीरियंस कस्टमर बाउंस, बिजनेस लॉस. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम. जो आपका 3 घंटा आपका परचेस में जाता है वो एकदम जीरो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो वो टाइम आप कस्टमर सर्विस में लगा सकते हो इसीलिए. और इसके लिए आपको किसी स्टाफ पे रिलाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेट सपोज यू आर नॉट इन योर स्टोर, आप आपके स्टोर पे नहीं हो, आप कोई दूसरा बिजनेस या जॉब कर रहे हो, तो आपको पूरा आपके स्टाफ पे रिलाय करना पड़ता है कि वो आपको लिस्ट बना के दे तब आप आगे ऑर्डर लिखवाओ. सो सिंस सिस्टम इज डूइंग इट फॉर यू, यू डू नॉट हैव टू रिलाय ऑन एनी पर्सन और स्टाफ. अब Evital Rx में ऐसे कौन से टूल्स है जिससे आप ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इजी कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग है अपार्ट फ्रॉम सहाय? तो आप शॉर्टबुक यूज कर सकते हो,
जो आप एक नॉर्मली कॉपी पेन में सारी चीजें लिखते हो, वट एवर यू आर यूजिंग इन अ पेपर एंड पेन दैट दिस प्रोडक्ट्स आर इन शॉर्ट, देर इज अ डिजिटल शॉर्ट बुक इन ई वाइटल आर एक्स, मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी. सो यू माइट हैव सीन दैट इन इन्वेंट्री देर इज अ सेक्शन मिनिमम एंड मैक्सिमम, दैट एट वॉट पॉइंट यू नीड टू ऑर्डर आइटम्स एंड अप टू हाउ मच क्वांटिटी आपको ऑर्डर करना चाहिए. अब मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रोडक्ट पर है, देन योर शॉर्ट बुक प्रिपेयर्स ऑटोमेटिकली. ओके, सीएसवी मैपिंग का ऑप्शन है, वो भी आपका टाइम बचाता है, टाइम सेविंग करता है. पोस्ट परचेस एनालिसिस फीचर, जो आपको मार्जिन एनालिसिस का पूरा एक बॉटम शीट ओपन होता है कि आपको लास्ट कितना मार्जिन मिला था, व्हाट मार्जिन यू हैव रिसीव्ड दिस टाइम. सो दिस पोस्ट परचेस एनालिसिस एवरीथिंग, दोज आर नॉट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर, दे आर एनी वेज डूइंग इट, बट दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सो ई वाइटल आर एक्स में वी हैव दीज बेसिक फाइव थिंग्स फॉर योर प्रोक्योरमेंट. सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई वॉन्ट टू आस्क ऑल ऑफ यू सम क्वेश्चन, कि आप दिन में कितना टाइम लगाते हो आपके प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में, सो दैट मुझे भी इंसाइट्स मिले कि आपका कितना टाइम जाता है और कहाँ हम आपको हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे. 3 से 4 घंटा लग जाता है मैडम डेली। 3 से 4, तो उससे ज्यादा या इससे कम टाइम लगता हो. आप बता सकते हो, अगर आपको 2 घंटा लगता है तो आपकी कोई एक स्पेशल टीम है जो आपका प्रोक्योरमेंट हैंडल करती है, इसीलिए आप 1-2 घंटे में काम कर लेते हो. सो इफ आपके पास कोई इनपुट है प्रोक्योरमेंट के लिए कि आपका बहुत ज्यादा टाइम जाता है, तो आप हमें बताइए. देखिए, हम तो जो है सेपरेट सेल्स रजिस्टर मेंटेन करते हैं, तो जो सेल्स हो जाती है तो उसका इकट्ठा ऑर्डर जो है ना, बिल्कुल जो टाइम लिमिट होती है एंड में हम इकट्ठा ऑर्डर कर देते हैं, नेक्स्ट डे डिलीवर हो जाता है। तो आप एक सेल्स रजिस्टर पूरा मेंटेन कर रहे हो कि आज कितनी सेल हुई है, राइट? जैसे मतलब हाँ, किस आइटम की क्या मतलब जो भी है सेल्स, आपका सिस्टम तो लेता ही लेता है, मगर हम एक सेपरेट ऑफलाइन बिल्कुल. रजिस्टर भी रखते हैं, मतलब इन ओके. केस इमरजेंसी जो है, मतलब टैली करना पड़ जाए या कुछ भी, तो एट द एंड ऑफ डे मतलब 8-9 बजे हम वो जो जितना भी सेल्स हुआ होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल. मतलब हमें हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं ऐड करके ओके. ऑर्डर कर देते हैं प्लीज। आज जितनी भी सेल हुई है उसका स्टॉक कितना है और कौन सी प्रोडक्ट अभी खत्म हो गई है, ये आप पूरा 15-20 मिनट में फिगर आउट कर ले रहे हो, राइट? हाँ, जैसे जो भी सेल होता है उसी वक्त जो है हम उनकी डिस्ट्रीब्यूटर की ऑर्डर लिस्ट में डालते रहते हैं, और ऑर्डर प्लेस जो है एंड ऑफ द डे कर देते हैं, ताकि वो नेक्स्ट सब डे जो आप है एक हमारा स्टॉक ऑफलाइन जो है, रजिस्टर में मेंटेन कर रहे हो. हाँ ऑफलाइन रजिस्टर तो हम वैसे भी मेंटेन करते हैं। ओके, जैसे सर ने बताया कि एक ऑफलाइन रजिस्टर भी मेंटेन करना पड़ता है, सो इज एनीवन फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट कि आप भी ऑफलाइन रजिस्टर यूज कर रहे हो? यस सर. यस, ऑफलाइन रजिस्टर तो एक्चुअल में ये मस्ट है, क्योंकि कैसे है 101% अपन स्टॉक यहाँ पे मैनेज नहीं करते हैं सॉफ्टवेयर पे। कुछ जनरल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, कुछ जेनरिक प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो अपन स्टॉक विड्रॉ भी नहीं करते और वो मैनेज भी नहीं कर सकते, तो ऑफलाइन करना तो पड़ेगा ही, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। ओके. अभी एक दूसरा सवाल है मेरा सभी से कि आपके पास कोई सेपरेट स्टाफ है जो प्रोक्योरमेंट संभालता है, या मैनेजर, या आप खुद ही प्रोक्योरमेंट संभालते हो? मेरे पास एक्चुअल में एक पर्सन है जो परचेस पूरा देखता है, मेरा प्रोक्योरमेंट पूरा देखता ओके. बिकॉज एक्चुअली प्रोक्योरमेंट जो का पार्ट सब मैनेजर्स एंड ओनर्स भी मेजरली संभालते हैं. कोई बहुत हाँ सीनियर एक्चुअली एंड जो ट्रस्टेड स्टाफ होता है वही प्रोक्योरमेंट करता है. एक्चुअली जो परचेज ऑर्डर होता है ना, वो हमारा फैमिली मेंबर या हम खुद ही करते हैं, क्योंकि वो जो है मतलब आप समझ सकते हो कि भी वो कॉन्फिडेंट मतलब वो है, उसमें यस कुछ यस डेफिनेटली. वो नहीं होना चाहिए।
ऐसा है कोई कोई काम है, जैसे मेरा काउंटर है, मेरे काउंटर में मुझे इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं वो सब कर पाऊँ खुद से, इट इज इम्पॉसिबल काउंटर बड़ा होने के कारण, तो मुझे एक बंदा पर भरोसा करके उससे करना ही पड़ेगा मेरे को 12-17 एक्सेल। ओके, और कभी जब कस्टमर आपके पास आ रहा है और आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो उसमें रेपुटेशन का भी लॉस होता है कि कई बार कोई बहुत बेसिक प्रोडक्ट मिस हो जाती है ऑर्डर करने के लिए, तब एक कस्टमर से भी रेपुटेशन का आ जाता है क्वेश्चन, तो ऐसा कभी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो? एक्सपीरियंस मेरे पास तो मेरे साथ तो हमेशा होता है। वेरी कॉमन इशू जितने भी है, कहीं ना कहीं एवरी डे कोई ना कोई प्रोडक्ट मिस हो ही जाती है, कितना भी एफिशिएंटली आप काम करो। एग्जैक्टली, कितना भी एफिशिएंटली काम करो, एक ना एक प्रोडक्ट ऐसा होता है, कहीं ना कहीं मिस होता है। और कई बार ऐसा होता है कि पार्टी के आगे पार्टी में जहाँ ऑर्डर, तो उनके पास भी अवेलेबल नहीं होता है, वो भी एक सीन होता है कभी कभी। सो उसके लिए सर आपको एक सेफ्टी स्टॉक भी तो रखना पड़ेगा ना, कि इनकेस आपका जो स्टॉकिस्ट है उसके पास अगर डिलीवरी डिले हो जाती है तो आपके पास एक दिन का सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए उस केस में। तो वो जो पार्ट है कि सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए, एक मिनिमम होना चाहिए आपके पास कि अगर स्टॉकिस्ट डिले हो गया तभी भी मेरे पास एक दो स्ट्रिप है कि मैं मेरे कस्टमर को खाली हाथ नहीं भेजूं। नहीं बट मैडम, कभी कभी सेफ्टी स्टॉक भी आपका खत्म हो जाता है इन दैट सेंस। ऑलराइट, लेट्स कम टू ईवाइटल आरएक्स, कि मुझे आपसे जानना है कि हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग शॉर्टबुक एंड जो मिनमैक्स का कॉन्सेप्ट है जिनको पता हो, एंड परचेस ऑर्डर अगर एनीवन ऑफ यू इज क्रिएटिंग इट। शॉर्टबुक यूज कर मनोज सर। ओके, देखिए मुझे आपकी शॉर्ट बुक जो है एक्चुअली अच्छे से यूज नहीं करनी आई, इसलिए मैं उसको ज्यादा यूज नहीं कर पा रहा। उसमें जो मिन मैक्स का चक्कर है ना, वो शायद कुछ समझ में नहीं आया था। ओके, नेक्स्ट हम उसी पार्ट पे आएंगे कि मिन मैक्स कैसे यूज करना चाहिए शॉर्ट बुक प्रिपेयर करने के। हाँ मैडम, मैं भी शॉर्ट बुक यूज करता हूँ, पूरा ऑर्डर में अपनी शॉर्ट बुक के थ्रू ही प्लेस करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर को। पेपर और नोटबुक का कुछ काम नहीं रहा सॉफ्टवेयर की वजह से, लेकिन जो अभी सर ने बताया कि वो मिनिमम और मैक्सिमम ऑर्डर का जो है ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है मैडम, उसमें डिफिकल्टी आ रही है मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक फिट करने में। आप अभी मैन्युअली फिट कर रहे हो मिनिमम एंड मैक्सिमम एक एक आइटम पे? नहीं, कर ही नहीं रहा हूँ। मतलब मैं मतलब ऐसा है की अपने शॉर्ट बुक ऐसा वर्क करता है की दो या तीन जो आइटम जो वादा चलता है ना मेडिकल पर, वो दो तीन आइटम स्टॉक में होगा तभी भी वो शॉर्ट बुक में ऐड हो जाता है, इस वजह से दिक्कत नहीं आ रही है। स्टॉक दो तीन पीस होने के बाद भी वो शॉर्ट बुक में ऐड हो जाता है अपने ऑटोमेटिकली। ओके, अपने सॉफ्टवेयर में। मनोज सर से मेरा ये क्वेश्चन था कि मनोज सर शॉर्ट बुक भी यूज कर रहे हैं, शायद पीओ सिस्टम भी यूज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मैं तो ये समझ रहा हूं कि शॉर्ट बुक नोटबुक रखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने कई स्टेप पे चीजें बना रखी हैं, कई स्टेप हैं। तो सबसे पहले तो मिनिमम मैक्सिमम लेवल इतना अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग खुद ही मतलब डिमांड पे पहुंचा देता है। और पीओ भी कोई दिक्कत की चीज नहीं है, पीओ पे अगर नहीं जाना चाहे तो मेरे हिसाब से नोटबुक तो यूज नहीं करनी चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर का फायदा क्या हुआ, इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर का फायदा क्या हुआ? ये मीटिंग का यही पर्पस है कि आप जो भी फीचर्स यूज नहीं कर रहे हो, जैसे कि आप यूज कर रहे हो सारी चीजें, आपको नोटबुक की जरूरत नहीं पड़ रही है, एवरीवन इज यूजिंग द सेम सॉफ्टवेयर, सो उसी को थोड़ा एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं, शॉर्टबुक और प्रोक्योरमेंट में कैसे टाइम बचा सकते हैं, वही मेन पर्पस है आज की मीटिंग का। ओके, सो अभी मैं आपको फिर से शेयर करके स्क्रीन बता रही हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस वी हैव, जो बिना सहाय के भी हमारे पास है, और एआई से जाओगे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है। फर्स्टली तो शॉर्टबुक है, डिजिटल वर्जन ऑफ योर शॉर्ट आइटम्स। ओके, मिन मैक्स क्वांटिटी, अब मिनिमम एंड मैक्सिमम की व्हेन यू शुड ऑर्डर एंड हाउ मच क्वांटिटी यू शुड ऑर्डर, दैट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम। अभी ये एक ओनली कॉन्सेप्ट है जो आपका शॉर्टबुक प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। आप शॉर्टबुक में प्रोडक्ट डाल सकते हो, मैन्युअली भी डाल सकते हो, बट ऑटोमेटिक अगर प्रोडक्ट को लेकर आना है शॉर्ट बुक में तो हर आइटम पे एक रीऑर्डरिंग पॉइंट होना चाहिए। अब मिनिमम मैक्सिमम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम फार्मेसी में यूज कर रहे हैं,
हर टाइप की इंडस्ट्री में इसका अलग अलग नाम है, जैसे कोई रीऑर्डरिंग पॉइंट बोलता है, आरओपी बोलता है, आर लेवल बोलते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। तो फार्मेसी में वी आर यूजिंग मिनिमम मैक्सिमम। अब आप मिनिमम मैक्सिमम हर आइटम पे कैसे सेट कर सकते हो, उसके तीन तरीके, एक मैन्युअल, एक एक आइटम पे आपको जाके सेटअप करना होगा। दूसरा ऑप्शन है ईवाईटेल आरएक्स में सेट मिन मैक्स, जो यहाँ पे आपको मिलता है। ओके, ये फीचर सभी के पास है, आप जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करो यहाँ पे आपके पास ये टूल अवेलेबल है कि आपको कितने वीक का स्टॉक रखना है, कितने दिन का सेल चेक करना है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट पे मिनिमम मैक्सिमम सेटअप हो जाता है। अब 15 दिन तक आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो और ये रात को 11 बजे रन होता है, राइट। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है इज वाया सहाय ऑटो मिन मैक्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपको जो ऑटो मिन मैक्स है उसमें कुछ कुछ हम क्वेश्चंस आपको पूछते हैं कि आपको कितने दिन का स्टॉक रखना है स्टोर पे, मैक्सिमम कितने दिन का स्टॉक रखना है, कितनी एमआरपी तक की प्रोडक्ट्स है जो आप केटर करना चाहते हो एआई से। देखिए अभी जैसे अभी एक सर ने बताया कि उनके दिन में सेम डे डिलीवरी हो जाती है। सो सेम डे डिलीवरी होने के बाद भी मैं 2 दिन का मिनिमम स्टॉक रखना चाहती, 3 दिन का सेफ्टी स्टॉक। और मेरे कस्टमर्स जो है वो महीने महीने के कस्टमर्स आते हैं दवाई लेने के लिए। सो आई विल कीप माई मैक्सिमम लेवल एट 30, कि फार्मेसी पे 1 महीने का स्टॉक होना चाहिए मिनिमम 3 दिन का। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मेरे 100% प्रोडक्ट सहाय से मैनेज होने चाहिए। तो इसके बेसिस पे आपका जो रनिंग आइटम्स है और जो स्लो मूविंग आइटम्स है दोनों अलग अलग हो जाते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स पे आपको ध्यान देना चाहिए जहाँ पे कस्टमर बाउंस नहीं होना चाहिए, और कौन सी प्रोडक्ट का अभी सीजन नहीं है और वो नहीं बिक रही है। ठीक है, ये 3 तरीके हैं हमारे पास प्रोक्योरमेंट को इजी करने के लिए, मिन मैक्स लगाने के लिए। अब इसमें क्या है, सहाय का जो मिन मैक्स है वो हर हफ्ते चेंज होता है। अभी एक सर ने बताया कि मिन मैक्स वो हर प्रोडक्ट पे नहीं लगा पा रहे, बराबर। वो क्यों नहीं लगा पा रहे, बिकॉज आपके पास 2000 3000 प्रोडक्ट है, सभी पे एक एक करके मिनिमम मैक्सिमम सेटअप करना बहुत बड़ा प्रोसेस है। सो इसमें आप सिस्टम की हेल्प लेते हो कि 2000 प्रोडक्ट पे एक साथ मिनिमम मैक्सिमम सेटअप हो जाए, और सेल्स के हिसाब से हर हफ्ते बदलता भी रहे। प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है तो मिनिमम मैक्सिमम कम हो जाएगा, सेल बढ़ गई है तो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से जो शॉर्ट बुक में क्वांटिटी आ रही है ना, वो भी आपकी सेल के हिसाब से आएगी। जैसे अभी शिव मेडिकल एजेंसीज जो थे हमारे साथ सर कनेक्टेड थे, उन्होंने बोला कि एक ऑफलाइन रजिस्टर वो मेंटेन कर रहे हैं, सेल देखते हैं, करंट स्टॉक देखते हैं। वही सेम प्रोसेस एआई भी कर रहा है उसके बैकएंड में। सो यहाँ पे जिनका कंसर्न था कि शॉर्ट बुक मैनेज नहीं कर पा रहे, तो उनका आधा काम तो यहीं से हो जाएगा। उसमें से एआई का सजेशन पहले आपको आएगा कि प्रोडक्ट आपको 10 से 15 तक स्ट्रिप में रखनी चाहिए। आपको लगता है कि प्रेफरेंस सही है तो आपने अप्रूव कर दिया आइटम। अगर प्रोडक्ट शॉर्ट में होगी तो आ जाएगी शॉर्ट बुक में। आपके पास अलग अलग फिल्टर्स होते हैं यहाँ पे अप्रूव करने के लिए आइटम्स, कि आपको एफएमसीजी वाली प्रोडक्ट्स पहले सॉरी फॉर दिस थिंग, एक्चुअली देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इंटरनेट, जस्ट वेट 2 मिनट्स। हेलो, यस वी कैन कंटिन्यू। एक्चुअली आई लॉस्ट माय इंटरनेट कनेक्शन इन बिटवीन।
ओके अब नेक्स्ट स्टेप जो है प्रोक्योरमेंट का वो आता है कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर करना चाहिए प्रोडक्ट। जो एक बार शॉर्टबुक आपकी प्रिपेयर हो गई है, जो आप सहाय के मिनमैक्स से करो, आप एक एक प्रोडक्ट पे मिनमैक्स सेटअप करो, या जो तीन तरीके बताए उसमें से कोई भी एक से कर सकते हो आप। अब नेक्स्ट जो आता है डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्शन, कि मार्जिन कहाँ पे अच्छा मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट पे स्कीम है या नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट है या नहीं। सो उसमें भी हम AI से आपको हेल्प करते हैं कि आपको प्रेफरेंस सेट करना पड़ेगा कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट करते हो तो आपके लिए मार्जिन इम्पोर्टेंट है, आप उसकी रेटिंग इम्पोर्टेंट है कि कितना फास्ट डिलीवरी कर रहा है, या आपको अवेलेबिलिटी देखनी है। उसके बेसिस पे आपको शॉर्टबुक के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट होके मिलता है। ओके अब डिस्ट्रीब्यूटर आपने सिलेक्ट कर लिया है कि मेरे आज के 10 ऑर्डर है वो ए फार्मेसी पे जाना चाहिए ऑर्डर के लिए। अब उनको आप बताओगे कैसे कि ये प्रोडक्ट्स आपको ऑर्डर करना है। सो उसके लिए वी हैव अ सिस्टम कॉल्ड परचेस ऑर्डर। उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, कितनी प्रोडक्ट्स उनसे मंगवानी है, कितनी क्वांटिटी में मंगवानी है, वो सब मेंशन होती है, जो आप उनको व्हाट्सएप या मेल पर भेज सकते हो। ओके अभी इसका बेनिफिट क्या है कि जब आप सिस्टम में रिकॉर्ड रखते हो शॉर्टबुक का, डिस्ट्रीब्यूटर का और परचेस ऑर्डर का, तो उसको आपको पोस्ट परचेस एनालिसिस AI प्रोवाइड करता है कि आपने 10 क्वांटिटी में प्रोडक्ट मंगवाई थी, आपको 11 रिसीव हुई है, यानी कि एक प्रोडक्ट आपको डंप कर दी है डिस्ट्रीब्यूटर ने, एक्स्ट्रा भेज दी है। अगर कोई प्रोडक्ट बाउंस हो गई है, आपने 11 मंगवाई थी उन्होंने 10 भेजी है, तो एक प्रोडक्ट बाउंस हो गई है अभी, तो वो आपको एनालिसिस देगा कि मार्जिन में भी डिफरेंस है, प्रोडक्ट बाउंस भी कर दिया है, डिलीवरी में उन्होंने 6 घंटे लगाए हैं या 2 दिन लगाए हैं। पर जब अगर आप परचेस ऑर्डर वाला सिस्टम यूज करते हो, सो दिस इज द मैंडेटरी शॉर्टबुक सेटिंग जो आपको यूज करनी रहती है। जो अभी आप आपका शॉर्टबुक पेंडिंग स्टेटस पे पूरा ऑपरेट कर रहे हो, दैट यू विल हैव टू यूज इन ऑर्डर स्टेटस। अब PO जनरेट करने की भी 2 तरीके हैं। आप मैन्युअल शॉर्टबुक में से आइटम क्लिक करके भी PO बना सकते हो, और एंड एक ऑटोमेटिक PO भी बना सकते हो। इसके 2 तरीके। आई वॉन्ट टू आस्क एवरी वन वन क्वेश्चन, दैट इज एवरी वन अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेस ऑर्डर? किसी ने इसके बारे में जाना है? ओके सो जो आपका परचेस ऑर्डर है वो आपकी शॉर्टबुक में से प्रिपेयर होता है। शॉर्टबुक में जितनी भी आइटम्स है उसी का आप परचेस ऑर्डर बनाते हो। ओके अब ये शॉर्टबुक है, अभी यहाँ पे मुझे ये प्रोडक्ट का परचेस ऑर्डर बनाना है, तो इसका PO जनरेट होगा। ध्रुवी फार्मा से एक प्रोडक्ट मंगवानी है 9 क्वांटिटी में, उसका PO जनरेट हो गया। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे फिल्टर सप्लाई कर दो कि सारे ही जो आपके प्रोडक्ट्स है वो राजसंस फार्मा से होने चाहिए। लेट सपोज यस सर, एक्चुअली ये जो आपका कंसेप्ट है ठीक है, मगर हर डिस्ट्रीब्यूटर का ना एक मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होती है। तो अगर हमने शॉर्टबुक से PO जनरेट कर दिया और मान लो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 3000 है, ओके सर, आप जब मैनुअल ऑर्डर उनको बना के देते हो तब आपके पास अगर आज दिन की एक ही प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट ही है उस डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर करने की, तब आप उनको कैसे ऑर्डर लिखवाते हो? मैं उनकी कार्ट में डाल देता हूँ, उनकी ना ऑनलाइन साइट होती है, तो मैं उनकी कार्ट में डालता रहता हूँ जैसे, और जब उनके मिनिमम ऑर्डर वैल्यू या फिर हमारे जो ना लिस्ट में एक साइड में लिख के रखता हूँ कि भी ये जो है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू को पूरा करने के लिए इनकेस शॉर्ट पड़ जाए, तो
तो ये मेडिसिन उसमें डाल दें ताकि मिनिमम ऑर्डर वैल्यू पूरी हो जाए, नहीं तो वो जो है ना शिपिंग चार्ज पता नहीं एक्स्ट्रा चार्जेस जो भी होता है वो लगा देते हैं, तो ये चक्कर रहता है। तो आपका सिस्टम में एक ना ये चीज होनी चाहिए कि पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर की मिनिमम ऑर्डर वैल्यू हम सेट कर सके कि उस ऑर्डर वैल्यू से एक्सीड करे तो ही ऑर्डर मतलब पीओ जनरेट हो। ओके बट सर आपके पास अभी जम जो ये परचेस ऑर्डर रेडी है अभी इनका जो है बंधु मेडिकल वन मेरा 1355 का ऑर्डर है, लेट सपोज उनका मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 5000 है, ठीक है ये परचेस ऑर्डर तो रेडी ही आपके पास बना हुआ है, आपको अगर इसमें क्वांटिटीज एडजस्ट करनी है तो आप कर सकते हो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आ रही, बट आपको अगर कोई क्वांटिटीज नहीं एडजस्ट करनी हमें इसमें, मान लो 3 PO ऑर्डर जनरेट हो गए सेम डिस्ट्रीब्यूटर के, उनको मर्ज करने की फैसिलिटी है आपके इसमें? नीलम वी हैव दैट फैसिलिटी ऑफ मर्ज पीओ राइट, दैट इफ देयर आर मल्टीपल या सो सर आपके अगर आज आपने एक पीओ बनाया है बंधु मेडिकल का, कल 2 PO बने हैं उनके नाम से, आप उस पीओ को मर्ज करके उनको तब भेज सकते हो जब उनका मिनिमम ऑर्डर वैल्यू फुलफिल हो जाएगा। ओके ठीक ओके मर्ज पीओ ऑप्शन इज देयर, आपके पास मल्टीपल पीओ है अगर बंधु मेडिकल के आप उनको मर्ज करके शेयर कर दो। ओके जब तक प्रोडक्ट अभी ये पेंडिंग स्टेटस में है तब तक ये वी कैन मर्ज इट। ओके आई वाज टेलिंग यू कि किस 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 तरह के वेज है हमारे पास पीओ बनाने के, सो एक है मैनुअल प्रोसेस, उसके बाद ये जो ऑटो पीओ है वन क्लिक ऑटो पीओ, कि जितनी भी प्रोडक्ट्स है आपकी शॉर्ट बुक में उसके आप फिल्टर्स सेटअप कर सकते हो कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर का ऑर्डर निकलना चाहिए, कौन से डेट रेंज तक का ऑर्डर निकलना चाहिए, उसके बाद आप पीओ बना सकते हो जो आपको मैनुअल थोड़ा सा प्रोसेस रहेगा। एक है फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस कि आप टाइमिंग सेटअप कर सकते हो एवरी डे, आप 2 बार अगर ऑर्डर लिखवाते हो एक बार ऑर्डर लिखवाते हो कौन से दिन कितने बजे आपके परचेस ऑर्डर शॉर्टबुक में से निकल जाने चाहिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से, सो इट डज नॉट मैटर आपके स्टोर पे स्टाफ है या नहीं, आपने 7 बजे का टाइम रखा है तो 7 बजे उसका परचेस ऑर्डर निकल जाएगा, आपका स्टाफ या फैमिली मेंबर जो भी ऑर्डर देता है उसको सिर्फ पीओ में आके आइटम्स चेक करने और इफ डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल है वो प्रोडक्ट तो आपको वो प्रोडक्ट उनको ऑर्डर प्लेस कर देना। तो ये एक फॉर्मल वे हो गया कि आप उनको व्हाट्सएप पे मेल पे या एक्सेल भी डाउनलोड करके भेज सकते हो। पोस्ट परचेस एनालिसिस, अभी हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का एक पोस्ट परचेस एनालिसिस है, अभी ध्रुवी फार्मा है यहाँ पे, उनसे मैंने जितने परचेस किए लास्ट 20 परचेस उसका मेरे पास परफॉर्मेंस एनालिसिस है, कितने घंटे में मैंने उनको कितने पीओ ऑर्डर किए, कितने घंटे में उन्होंने फुलफिल किए, टर्न अराउंड टाइम यहाँ पे उनका कैलकुलेट होगा, बाउंस कितनी प्रोडक्ट करी उन्होंने ऑर्डर में, कितनी प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा भेज दिए डंप कर दिए 90 डेज में, उसका पूरा ट्रैक आपको यहाँ पे मिलेगा ओनली इफ यू आर यूजिंग पीओ सिस्टम। सिस्टम में ही सारा का सारा अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो इसके ये बेनिफिट्स है। अब आपका जो पूरा मैनुअल प्रोसेस है और जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है उसमें इतना टाइम का डिफरेंस है, शॉर्ट बुक प्रिपेयर करने में जो 2 से 3 घंटा एवरेज जाता है ऑटोमेटिक करने में 1 भी मिनट नहीं लगती है, और इसका ओनली सोर्स है ऑटो मिन मैक्स या फिर मिनिमम मैक्सिमम, अपडेट करना है मिनिमम मैक्सिमम सेल्स के हिसाब से तो वो दिन का 5 से 6 घंटा लेगा वीक का, आपका वीक में अगर आप चेंज करते हो तो, अगर ऑटोमेटिकली करने जाओगे सब 10 से 15 मिनट लगेगा और वो है ऑटोमेटिक मिनिमम मैक्सिमम अपडेशन। परचेस ऑर्डर अगर आप दिन के निकालते हो एक अगर ऑफलाइन रजिस्टर रखा है तो उसका 1 घंटा डेली आपका जाता है, अगर आप पीओ सिस्टम यूज कर रहे हो तो टाइमिंग सेटअप कर दिया है आपने बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। पोस्ट परचेस एनालिसिस कहाँ ज्यादा मार्जिन लॉस आया है कहाँ से नहीं आया है,
वो सब भी आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यस सर। एक्चुअली आपका सिस्टम बहुत अच्छा है ये पीओ ऑर्डर जनरेट करने का, और बहुत टाइम बच जाएगा, मगर एक्चुअली मेरी मेरे साथ एक इंडिविजुअल अलग वो है, जैसे ना मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कुछ स्कीम्स देता है, जैसे $5 स्ट्रिप्स परचेज करने पर $1 स्ट्रिप फ्री, तो वो जो स्कीम है अगर वो किसी तरीके से परचेज ऑर्डर में वो हो जाए ऑटोमेट, कि जैसे अगर 3 स्ट्रिप्स ऑर्डर की और 4 स्ट्रिप्स पे स्कीम है कि 1 स्ट्रिप फ्री मिलेगी, और अगर परचेज ऑर्डर में 3 स्ट्रिप्स आ गई तो हमारा वो नुकसान हो जाएगा, मार्जिन का बात ही हो जाएगी। और ये खैर मेरा तो ये है कि भी उनकी साइट है, ज्यादातर मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो मैं तो ऐड करके स्कीम देख के ऐड कर देता हूँ, मगर आपने जो फार्मासिस्ट मेल या व्हाट्सएप के जरिए देते हैं उनके लिए बेटर है, मतलब बहुत बढ़िया है ये सिस्टम ना टाइम बचाने का, मगर अगर ये स्कीम का इंक्लूड कर दो ना तो मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। सर वी आर वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर वर्किंग ऑन समथिंग रिलेटेड टू स्कीम, बट इट इज नॉट लाइव करंटली, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं, बट वो फीडबैक हमारे पास आया था एंड वी आर करंटली वर्किंग ऑन इट। सो जैसे ही डेवलपमेंट हो जाएगा इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन हु इज सेंडिंग ऑर्डर्स थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल, जिनको स्कीम का नॉलेज नहीं मिलता है, जो कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे, स्टॉकिस्ट का वेबसाइट यूज नहीं कर रहे, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ओके वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस। यस मनोज सर। हाँ मैडम, मेरा ये कहना था, अभी हम जो है ना वेयरहाउस के तरीके से काम करना चाह रहे हैं, मतलब हमारी प्रीमिसेस नई प्रीमिसेस से बैठा हूँ मैं, हमारे तीनों चार स्टोर हैं, वहाँ से हम यही से सप्लाई करेंगे, तो उस केस में मेरे को जानना ये था कि हम उसको जो है ना वहाँ पे स्टॉक तो रखेंगे नहीं, ज़्यादा स्टॉक तो रखने का काम है नहीं, बस एक ही जगह माल आया वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस तरह से, अब वहाँ से जो पी ओ जनरेट होगा ब्रांच से उसको स्मार्टली हम कैसे हैंडल करें, कि मतलब दोनों दो तीन ब्रांच का सेम आइटम का ऑर्डर आया सपोज है ना, तो उसको फ्लो कैसे रहता है, और सपोज इसमें हमें ये भी देखना है कि स्टॉक एक जगह पे हमारा एक्स्ट्रा स्टॉक पड़ा हुआ है, ये सब ये चीज कैसे फॉलो होती है। आपके ही ब्रांच में अगर वो आइटम है, आपकी कोई दूसरी ब्रांच है वहां पे वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है, तो आपको उसका इंफॉर्मेशन मिल जाता है आई बटन पे क्लिक करने से, आप एंटरप्राइज टीम से कनेक्टेड है, आप एक बार वो तो पता है, वो सारी ब्रांच का दिख जाता है। Yes. पर जो एक ही दिन में मतलब रात को ऑर्डर आया, सुबह ऑर्डर आया, ऑर्डर घंटे दो घंटे में प्लेस भी करना है, दो तीन घंटे में मंगाना भी है, तो एक एक आइटम पर जा नहीं सकता वो। मतलब जो शॉर्ट बुक है ना वहीं पे कुछ ऐसा ऑप्शन है कि वहां से पता लगे कि भाई ये तो दूसरी ब्रांच में पड़ा हुआ है, कुछ AI का ऐसा यूज हो सकता है क्या? तो करंटली तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका फीडबैक मैं डिस्कस करूंगी, बट आप जो पीओ आप वेयरहाउस पे देखते हो कि आपने, तो उसी में आइटम वाइज का भी ऑप्शन है, कैसे आइटम वाइज एक ही प्रोडक्ट कितनी कितनी ब्रांच से ऑर्डर हुई है। सपोज एक ही आइटम का ऑर्डर दो जगह से आया। हां पूजन बताइए। यस सर, हाउ आर यू सर? बोलिए। हां सर, तो आप जो बता रहे हैं आई थिंक वो हमारे पास रिक्वायरमेंट आया था और उस पर काम चल रहा है, उस पर डिटेल में तो आपको हामिद या वैभव बता सकेंगे एंटरप्राइज में से, लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना कि ब्रांच से जो ऑर्डर आते हैं सब कुछ, तो उसको आपको शॉर्ट बुक में ऐड करना है, बराबर? तो आपने वो पीओ का प्रोसेसिंग का स्क्रीन देखा है वेयरहाउस में? हाँ देखा है। ओके, तो आई थिंक वो आपको हेल्प रहेगा, क्योंकि उसमें क्या है सर आप फिल्टर करेंगे। नहीं, पीओ का जो है स्क्रीन वेयरहाउस का कुछ अलग है क्या? हाँ वेयरहाउस का अलग है सर, उसका आपने ब्रांच का देखा होगा ना। हाँ, तो वेयरहाउस में सर ऐसा होगा कि आपको जितने भी ब्रांचेस से पीओ आएंगे उसको आइटम वाइज हम दिखाएंगे कि ये आइटम आपकी 3 पीओ में आई है 3 ब्रांच से, वो सबको आपको लिस्ट आएगा और वन क्लिक में सब कुछ आपका शॉर्ट बुक में ऐड हो जाएगा। अच्छा, एक बार दिखा रहे हो क्या आप? हाँ सर, यहाँ पे डिस्पैच सर, वी गो टू 4 डिस्पैच सेकंड टैब। फिल्टर अप्लाई कर दीजिए। ऑर्डर वाइज में आइटम वाइज में ही होगा, सॉरी फर्स्ट। हाँ उसमें भी सर यहाँ पे आइटम वाइज आ जाएगा आपका कितना आइटम कौन से पीओ में, यहाँ पे आप
सिलेक्ट करके सीधा इसको प्रोसेस कर सकते हैं, तो ये सीधा आपके प्रोसेस फॉर रिक्वायरमेंट आइटम वाइज ये तो हो गया। अब इसमें ये कौन सी ब्रांच से आया कैसे पता है? सर वो इसका डिटेल है लेकिन उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको सर, क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ हैंडल करते हैं, कौन सी ब्रांच में से आया है, आपके वहाँ कितना स्टॉक पड़ा और कितना शॉर्ट बुक में ऐड करने की जरूरत है, एक ही जगह देखेगा ये, एक ही जगह सब कुछ हैंडल हो जाएगा इसके। ठीक है, इसके आपको डिटेल में सर आप जानेंगे ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके इसमें बहुत सारे ट्वीक्स है, बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप डिटेल में इसको समझेंगे तो अच्छा रहेगा, जो भी इसको हैंडल करने वाला है, ऑपरेट करने वाला है। ठीक है, इसमें मेरा एक सवाल ये और था कि जब हम पीओ जनरेट कर देते हैं ना, तो पहले मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें हम क्वांटिटी चेंज कर सकते थे, सपोज हमने कोई क्वांटिटी तो डाली नहीं, हमने ऐसे ही डाल दिया, जल्दी से कोई कस्टमर आया, हमने शॉर्ट बुक में डाल दिया, तो उसमें क्वांटिटी तो डाली नहीं हमने। अब जब हम पीओ बनाएंगे ना उसका, तो एक क्वांटिटी में ही पीओ बनेगा उसका, जबकि हमें स्कीम के अकॉर्डिंग या फिर क्वांटिटी बढ़ानी है, तो वो पहले होता था कि जब पीओ बन जाता था ना उसके बाद में एक ऑप्शन आता था क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, अभी मेरे को लगता है वो क्वांटिटी चेंज नहीं होती वहाँ पे, जो पीओ बन गया जो बन गया बस प्लेस करना ही सीधा उसको। नहीं सर होगा वो उसका ऑप्शन है, नहीं नहीं है नहीं, प्लेस करने से पहले मेरी सर उसका कहीं पे जगह चेंज हुआ होगा, कैसे करते हैं ऑप्शन तो है लेकिन उसका कहां से करना है वो चेंज हुआ होगा आई थिंक। जान मैडम एक बार अभी आप दिखा रहे थे ना, अभी पहले डेमो दिखा रहे थे, ये आपके पास मेरा स्क्रीन शेयर्ड है, देखिए अभी ये पीओ मैंने सेंड नहीं किया है, पेंडिंग स्टेटस में अभी। अच्छा, ये पीओ है, 38 है, उसको 10 कर दिया, अपडेट कर दिया। अच्छा, हो जा रहा है ना। हाँ, तो ये पीओ के जितने भी आइटम है सारे चेंज हो सकते हैं। हाँ, तो आई थिंक उनकी कोई ना लैक ऑफ नॉलेज होगी, तो मैंने पूछा था हेल्प पे, उन्होंने कहा था नहीं वो हमने चेंज कर दिया है, अब चेंज नहीं, अब मतलब वो एडिट नहीं होता, ऐसा कुछ बताया था आई थिंक सर, मींस कम्युनिकेशन होगी सर, हो सकता है। रिव्यू बेसिकली क्या है कि एक फीडबैक आया था हमारे पास, काफी टाइम से था और काफी लोगों की रिक्वायरमेंट भी थी कि उनको कस्टमर जब दवाई लेके जाता है तो उनको रिफिल रिमाइंडर सेट करना है उनके लिए, साथ में फिल रिमाइंडर भी सेट करना है, सब कुछ करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि उनके स्टाफ सेट करते नहीं है, वो उनको करना है वो बोलते भी है लेकिन उनके स्टाफ कभी कभी करते हैं, कभी कभी मिस कर देते हैं, किसी में ऐड करते हैं किसी में नहीं करते हैं, ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो उसके लिए एक आई थिंक आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि हम रिफिल रिमाइंडर ऑटोमेटिकली सेट करने का ऑप्शन देने वाले थे, जो कि पिछले एक दो महीने से काम चल रहा था और कुछ लोगों में बीटा में ओपन था, और अभी वो आज से सबके लिए लाइव हो गया है, जो भी सहाय यूज़ कर रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन के पेज में जाके उसको ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके सीधा उसको ऑन कर सकते हैं, ऑन हो जाएगा, और सेल्स की स्क्रीन पे जाइए, जानवी एक बार हम दिखा देते हैं कि वो कहाँ से कैसे दिखेगा। अब जैसे ही जाएंगे यहाँ पे आपको रिफिल सेट रिमाइंडर का एक ऑप्शन दिखता है, सेट रिमाइंडर ऑप्शन, ये ऑप्शन है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पे आपको खुद से स्टाफ को ऐड करना पड़ रहा था रिफिल रिमाइंडर जाके। ठीक है, अभी जिसने भी ऑटो रिफिल रिमाइंडर सेट ऑन करके रखा होगा उसमें अपने आप ऑन हो जाएगा, सेट हो जाएगा। एक बार ऐड कीजिए जनवी आइटम, आप देख सकते हैं वहाँ सहाय का एक लोगो आ रहा है और ब्लिंक हो रहा है और अपने आप सेट हो गया रिफिल रिमाइंडर। एक बार ओपन कर दीजिए इसको जनवी, और ये सेट हो गया 1000। ठीक है, तो अभी अगर आपके यहाँ पे कोई भी बिल कस्टमर के साथ बनता है नाम और मोबाइल नंबर के साथ, और उसके अंदर अगर आप आइटम जो क्रोनिक मेडिसिन डालते हैं, ठीक है, तो उसमें सहाय खुद ही रिफिल रिमाइंडर वहाँ पे सेट कर देगा और साथ में डोजेज भी सेट कर देगा। और अगर आपके वहाँ पे कोई कस्टमर पहली बार आ रहा है तो हम उसको हमारा जो खुद का मास्टर है जहाँ पे हमने सेट करके रखा है
ई वाइटल का, वहां से लाके डोजेज रखेंगे। अगर आपके वहाँ कस्टमर दूसरी बार आ रहा है या पहले लेके आ चुका है और हमारे पास उसकी हिस्ट्री है कि उसने पहले क्या सेट किया था, अगर वो दिन में दो बार दवाई ले रहा है, ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री के हिसाब से वहाँ पे जाएगा कि अगर सब में एक जाता है लेकिन उसको डॉक्टर ने दो बोली लेने की, तो यहाँ पे दो आएगा अगर हमारे पास डेटा है। और अगर वो भी नहीं है और अगर अपने इन्वेंटरी में सेट करके रखा है कि भाई हर एक मुझे ये मेडिसिन में हर एक में 1011 ऐसी रखनी है कि सुबह एक लेने की, दोपहर को नहीं लेने की, शाम को और रात को एक एक लेने की, अगर आपने इन्वेंटरी में जाके ऐसा रखा है सेट करके, तो हम वो डाल देंगे। बेसिकली हम कहीं से भी जो भी प्रॉपर डेटा होगा वो लाके यहाँ पे रख देंगे और रिमाइंडर सेट कर देंगे। अगर आपने बिल पेशेंट के नंबर से बनाया है और मेडिसिन है, तो यहाँ पे आपके स्टाफ को खुद से ऐड करना नहीं पड़ेगा, हम ही खुद से ऐड कर देंगे। आप रिव्यू कर सकते हैं लेकिन उनको सामने से नहीं करना पड़ेगा। तो ये काफी लोगों के पूजन, ये लैब टेस्ट क्या दिख रहा है? ये मेरी सॉफ्टवेयर में तो नहीं दिखता इसमें। ये सबसे एपीआई के प्रोडक्ट का काम है, मतलब जो लैब के लिए जिसको यूज करना होता है, तो सब में नहीं दिखेगा, जो वो यूज कर रहा है उनमें दिखेगा। तो अगर आप किसी को भी इसके बारे में, रिफिल रिमाइंडर के बारे में कुछ जानना है तो बोल सकते हैं, या फिर अगर आपने सहाय है तो आप कॉन्फ़िगरेशन के पेज में जाके उसको ऑन कर सकते हैं, तो ये स्टार्ट हो जाएगा रिमाइंडर सेट होना अपने आप ही। जी यस सर। पूजन भाई मैं एक बार ये दोबारा बताएं कि मतलब ये खुद से कैसे कंसीडर कैसे करेगा, डोज के अकॉर्डिंग हमें? हाँ सर, पहली बार परचेस लिया है आपने और कुछ डेटा नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर वो क्रोनिक आइटम है तो 100 का आपको मिल जाएगा डोजेज फिक्स, ठीक है। आपने खुद उसके बाद आता है, अगर आपने खुद से इन्वेंटरी में जाके चेंज किया है डोजेज को, आपने 1010 किया एक सुबह एक शाम, ठीक है, तो हम उसको यूज करेंगे। नहीं, डोजेज तो उसमें अपन जो जब बिल बनाते हैं उस समय सेट करते हैं ना पेशेंट की? नहीं सर, वो इन्वेंटरी में हम सेट कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेंटरी में भी सेट हो जाता है? हाँ हाँ यस। हर एक ही दवाई की डोज है ना, पेशेंट को अलग अलग हो सकती है हर पेशेंट को? हाँ सर, तो अगर कोई पेशेंट आता है, आपने 1010 रखा है और वो आके बताता है कि नहीं मेरे को एक शाम को और दो रात को लेनी है, ठीक है, आपके वहाँ किसी ने चेंज कर दिया 1002 कर दिया, ठीक है, अब वो पेशेंट जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो उसकी डोज जो लास्ट टाइम होगी वो आ जाएगी। हम सबके लिए सेम नहीं रख सकते क्योंकि जैसे जिसकी कंडीशन होती है उसके हिसाब से चेंज करके देता है, तो हमें वो पता नहीं है। लेकिन एक बार इन्वेंटरी में तो पहले करना ही होगा, एक गोली रोज के हिसाब से तो इन्वेंटरी में करना होगा। नहीं करेंगे? हाँ नहीं, इन्वेंटरी में नहीं होगी तो भी चलेगा, तो भी एक गोली रोज के हिसाब से मान के चलेगा। हाँ मान के चलेगा। हाँ, और जिस समय पे पेशेंट लेके जा रहा है उस समय आपको अगर चेंज कर दिया आपने, हाँ, तो नेक्स्ट टाइम से वो चलेगा पर्टिकुलर उस पेशेंट के लिए। हाँ, उसके पेशेंट के लिए, उस पेशेंट के लिए चलेगा। तो वो रिफिल जैसे कितने दिन के हिसाब से भेजेगा? कोई दवाई कम ली है उसने, कोई ज्यादा ली है? तो अभी सर ऐसा है कि अगर जो भी सबसे कम वाली जो दवाई होती है उसके हिसाब से रिफिल भेजेगा, उसके अकॉर्डिंग भेजेगा। हाँ, मिनिमम लेवल पकड़ेगा उसका। हाँ, मिनिमम पकड़ेगा। ओके, थैंक यू। आई थिंक ये हैव द कम्युनिटी आई फीचर को ऑन कैसे करना है सर? मेरे सॉफ्टवेयर में ऑन नहीं है सर ये फीचर। सही इस फीचर को ऑन कैसे करना है? लग रहा है ना सहायक का सर ऐड ऑन है, वो आप ले सकते हैं, उसके अंदर ये सब कुछ आता है। मिन मैक्स का जो ऑटो का था, ऑटो रिफिल और फिर ऑटो रिफिल नंबर सब कुछ नहीं आता है ऐड ऑन के अंदर। जानवी सर, आपका नंबर जो है चैट बॉक्स, सर आपका नंबर जो है मुझे आप शेयर कर दीजिए, मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर लेती हूँ। ओके, ऑलराइट। या केमिस्ट, ये टी शेयर योर केमिस्ट बोर्ड। गीतेन जी? यस गीतेन सर, मैं एक्चुअली एक डाउट लेकर एक साल से बोल रहा हूँ लेकिन उसको रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा है मुझे। मैं पुलिस से शेयर करना चाहूंगा। हाँ
ये मेरा डैशबोर्ड है, यहाँ पे E2 पे मेरा इतना 27 लाख समथिंग है, ठीक है। बट एक्चुअली मैं जब कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जाकर, तो यहाँ पे मुझे 30 लाख से ज्यादा का कैलकुलेशन आता है। वो कैलकुलेशन का डिफरेंस क्यों आ रहा है मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की, और मुझे पता चला कि ये जो आपका यहाँ ये प्लस या जीरो है, ये जीरो वाला जीरो नहीं रहता एक्चुअली, ये जो इसमें जो पुराने वाले जो क्रेडिट्स रहते हैं वो कभी डिलीट नहीं हुए हैं। लेट्स से दिस वन, इनका कोई वाउचर रहा है पहले वाला, वाउचर होगा सर, वाउचर में चले जाइए, वाउचर को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सर एक सेकंड, यहाँ पे डेट रेंज सिलेक्ट कर दीजिए। ये देखिए ये वाउचर को मैं डिलीट ही नहीं कर पा रहा हूँ, वाउचर को डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं है। सर इसको आपको सेटल करना पड़ेगा एक्चुअली। सेटल करने के बाद क्या हो जाए, कैसे सेटल करना है बता सकते हैं सर? परचेस, जब आप परचेस का पेमेंट करते हैं तभी वाउचर मतलब जो भी वाउचर है ये आपका एडवांस का वाउचर है, जैसे सेम एक परचेस रिटर्न का भी वाउचर बनता है, ठीक है, तो वो सब यहीं पे आता है, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपको 10,000 देने हैं और अगर 4,000 का वाउचर है तो एडजस्ट करके आपको जितने बचते हैं वो देने पड़ते हैं, ऐसा है। काफी सारे वाउचर्स जनरेट हुए और मेरा पेज जो है वो 3-4 लाख नहीं दिखा रहा है, तो मेरा पेमेंट प्रिपेयरनेस उतना ठीक से नहीं हो पा रहा है। ओके, व्हेन यू गॉट ऑनबोर्डेड ऑन VitalRx डिड यू ऑप्ट फॉर डेटा पोर्टिंग? हां, डेटा पोर्टल सब ऑल के गेट साथ पहले हो चुका है। सॉरी आई डिडंट गेट दैट, डेटा पोर्टल मतलब आप So basically, maybe she wanted to ask that if this detail, the advance voucher is created in eVital or ये किसी और software में था और यहाँ पे port हुआ है? It's all created in eVital only. अच्छा, ये eVital में ही create हुआ है? Okay. This needs to be checked, sir, because okay. जी, ये if it was a manual voucher, you should have gotten the option to delete it. वहाँ पे जाके adjust करने का उसे very long process, right? अभी इस एवरी टाइम आई वोंट बी देयर, देयर विल बी अदर पीपल सिटिंग, मैं उनको बोल नहीं सकता कि आप डिलीट कर दीजिए इधर, तो दिस के नीचे ऑप्शन यहां पे इनको ऑप्शन दिया है, बस एक्टिवेट करना है इसको। नो एक्चुअली इफ इट्स अ सिस्टम जनरेटेड वाउचर देन इट कैन नॉट बी डिलीटेड, बट इफ यू यू आर जनरेटिंग अ वाउचर मैन्युअली दैट कैन बी डिलीटेड, दिस सीम्स लाइक अ सिस्टम जनरेटेड वाउचर। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कनेक्ट टू आवर सपोर्ट टीम और यू कैन रेज अ टिकट राइट हियर, दिस नीड्स टू बी चेक्ड। ओके fine, I will do that. And yes, one thing I wanted to check, like this is my distributor list for payment. Ab main yahan par next mein ja raha hu, next mein ja, every time I need to go next जब मैं पेमेंट करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम आती है, तो ये ये एक एजेंसी है, इसका मैंने पेमेंट देख लिया और इनका डिसाइड कर लिया, फिर जैसे बैक करता हूँ फिर से वो पे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कहीं से स्टार्ट कर देना चाहिए। एवरी टाइम ईच डिस्ट्रीब्यूटर हर बार हर मेरे 25 पीस डिस्ट्रीब्यूशन, सो वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ सॉर्टिंग अवेलेबल, यू कैन यूज दैट, एंड इफ यू ओनली वांट टू सी ड्यू इनवॉइसेस सो प्लीज क्लिक ऑन ड्यू ओनली ऑन द टैब ऑफ, ओके, आई क्लिक ऑन ड्यू ओनली, ओके, या एंड प्लीज यूज द सॉर्टिंग बटन नेक्स्ट टू द टोटल बैलेंस, बट स्टिल आई हैव गॉट 3 पेजेस लेफ्ट, आई गेट दैट, बट यू कैन यूज द सॉर्टिंग बटन नेक्स्ट टू द टोटल बैलेंस so the highest balance would be displayed first. Okay, even in that case I need to check all the distributors payment, so let's say if I go to the third page ek farm and I check whatever is there, then I come back, then I can take a back to pay
page one. This is a very simple solution for this. Whenever I go back, it should start the same page where I have left. If let's say if I am on page three, and if I have checked this welcome agencies, and if I go back, I should get go back directly to page three rather than page one every time. This is a very basic software thing. This has not resolved for us. This is a very simple thing many times. Maybe Neelam, we can ask design team if we can have it here because it's in the sales screen, I think. So, sir, we'll ask the design team if it is possible, then we'll of course add it. Sure. For like calculating every time for the distributor payment, this is this takes a lot of time going every back every time. Sure, sir. Sir, yeah. In the meantime, as Neelam suggested, in the meantime, you can use the other sorting that will be helpful. Yeah, that sorting I have checked, but still it will reduce the number of distributors. Yeah. Like only two only will come, but the distributor number will keep increasing anyways. But page one, page two, page three, and if I'm in page three, then again I need to go back to page one, and again I need to click page two, page three. Please provide simple. Yes, sir. I understood, sir. Yeah. I will return the feedback. We'll talk it. Sure. Yeah. Thank you. Thank you. Hello. अरे एक कल की मीटिंग में कैश मैनेजमेंट का एक नया फीचर आया है. वो मेरे सॉफ्टवेयर में शो नहीं हो रहा है सर. अच्छा. पूजन जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे आप एडवांस की फीचर ऐड करने की सोच रहे हो, मतलब एडवांस कस्टमर से एडवांस लिया तो वो रजिस्टर करने की, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जस्ट एक स्क्रैच पैड की ऑप्शन या नोट, मतलब जो एक वो होता है ना स्क्रैच पैड जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, अगर वो नीचे वाली टैब में आ जाए एक स्क्रैच पैड, मतलब कुछ भी टाइप कर दिया, जैसे हमने लिख दिया कि एडवांस इस कस्टमर से इतने इतने रुपए लिए, ठीक है, और उसी में हमने ये लिख दिया कि 4 बजे जो है इस कस्टमर को इस डिलीवरी पर्सन से डिलीवरी करवानी है, सबको कुछ भी इंपॉर्टेंट नोट होगा वो हम उस स्क्रैच पैड में लिख सकेंगे. तो आपको जो है ना एडवांस वाली फीचर पे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, मतलब इन द सेंस अगर कर रहे हो तो बढ़िया है, मगर इतने मीनवाइल जो है ना एक स्क्रैच पैड ऑप्शन आप वो कर सकते हो, वो काफी यूजफुल है, क्योंकि मल्टीपल जो फार्मेसीज की जो क्वेरीज है ना वो सिर्फ एक स्क्रैच पैड आपके वो करने से इंटीग्रेट करने से सॉल्व हो जाएगी. जैसे एडवांस की ऑप्शन सॉल्व हो जाएगी, रिमाइंडर्स की ऑप्शन सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो पॉपअप दिखता ही रहेगा साइड में. बाकी आप कर रहे हो फीचर्स इंटीग्रेट वो बढ़िया है, मगर ये नोट पैड हमें चाहिए, ये स्क्रैच पैड, क्योंकि ये बहुत बढ़िया फीचर है. ओके ठीक है सर, देखते हैं. यस सर. हेलो जानवी जी. जानवी जी, बस मैं वो जानना चाह रहा था, मतलब वही वेयरहाउस में जब अपन ऑर्डर बनाते हैं ना, तो एआई को कुछ ऐसा काम पे लगाओ ना उसमें, हमारे पास कोई शॉर्ट मतलब ओवरलोड ओवर स्टॉक पड़ा हुआ कहीं पे है ना, या शॉर्ट एक्सपायरी आइटम पड़ा हुआ है, तो वहां कोई पॉप अप ऐसा कुछ दिखे, बहुत वैल्यूएबल काम पे लगाओ ना. ऐसा कोई फीचर अभी है अपने हमारे पास कि जब वेयर हाउस वाला बंदा ऑर्डर बना रहा है, सपोज कहीं पे जैसे अभी पूजन भाई कह रहे थे, सपोज एक दुकान पे वो स्टॉक पड़ा हुआ, एक स्टोर पड़ा हुआ है, एक डंप हो रहा है, एक पे डिमांड है और वो डिमांड वापस क्रिएट कर देगा, तो कैसे हमें वहां पे हर आइटम पे जाना नहीं पड़े, पता लगे कि भाई ये आइटम तो ऑलरेडी पहले से पड़ा हुआ दूसरे ब्रांच पे, ऐसा कुछ फीचर है वहाँ पे, कैसे लोग मतलब करते हैं अभी हम तो इस मतलब वेयरहाउस वाला सिस्टम तो पहली बार शुरू करेंगे. सर, इसमें नॉन मूविंग रीएलोकेशन यूज हो सकता है, तो अगर एक स्टोर पे नॉन मूविंग है वहाँ से अगर आप स्कैन करेंगे तो जिस स्टोर पे भी वो आइटम फास्ट मूविंग है वहाँ पे आप एलोकेट करके स्टॉक ट्रांसफर कर सकते हो. नहीं वो तो मुझे पता है, लेकिन एट ए टाइम जिस समय वो ऑर्डर बना रहा होता है उस समय कैसे पता लगेगा उसको. बट सर, देन अगेन अगर वो स्टोर पे भी वो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है तो ऐसा तो हो गया ना कि आप एक स्टोर से लेके दूसरे स्टोर को दे रहे हो, इवन दो दोनों जगह डिमांड है.
नहीं वहां पे डंप है वो प्रोडक्ट, इसलिए कह रहा हूँ। दूसरे वाले तो स्टोर में डंप है, में निकल जाएगा ना, पर उस समय पे कैसे पता लगेगी? वो तो आपका अलग फीचर है ना, वो तो आपको अलग से लिस्ट निकालनी पड़ेगी या स्कैन करना पड़ेगा, तो उस समय पता लगेगा। लेकिन जिस समय हमारे पास डिमांड है, आज ही हमें देना है, सप्लाई भी आज ही करना है दूसरे स्टोर पे, एट ए टाइम जिस समय पे वो ऑर्डर बना रहा है वेयर हाउस, तब कैसे पता लगे कि वो प्रोडक्ट, कैसे आइडिया आएगा उसको, कुछ कुछ इस तरह का कुछ काम करिए करंटली पता लगे वहाँ पे। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। यस सर। सर जैसे एक प्रोडक्ट समझो तीन चार डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिल रहा है, तो समझो मंडे को अपन ने शॉर्ट बुक में समझो ऑर्डर देना है मेरे को, मतलब पैसे समझो, एक सेकंड सर, एक ही आइटम मतलब दो तीन डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिल रहा है, तो डे वाइज अपन कुछ ऑर्डर निकाल सकते हैं क्या, मतलब डे वाइज? समझ मतलब जैसा हमारा हमारे पास मतलब डेली डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आते, डे वाइज आते हैं जैसे। ओके ओके। शॉर्ट बुक में कैसा होता है सर, जो शॉर्ट बुक में ऑर्डर नहीं किया जो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास निकल जाता है ऑर्डर, जिस दिन जो पार्टी आ रही है ना उस दिन नहीं निकलता। सर शॉर्ट बुक में आपने कोई आइटम डाला तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट है ऑलरेडी? हाँ हाँ है, लेकिन मतलब समझो मंडे को कोई पार्टी आ रही है, मेरे को संडे को ऑर्डर देना है, तो दूसरी पार्टी के पास चला जाता है शॉर्ट बुक में ऑर्डर। हेलो सर, इनका कहना ये है कि किसी एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को प्रेफर करता है अपना सॉफ्टवेयर, और बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास होते हैं। ओके ओके, मतलब ऐसा बोल रहे कोई आइटम है चार पांच डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड कर रहे हैं, हर अलग अलग दिन पे प्रोवाइड कर रहा है तो ऑर्डर देता है, तो अगर आपको सैटरडे मंगवानी है तो सैटरडे वाले को प्रेफर करो। हाँ हाँ वही हुई। वैसा नहीं सर, वैसा तो अभी है नहीं हमारे पास कुछ, आप जैसा रिक्वायरमेंट बोल रहे हो वैसा हमारे पास अभी तो नहीं है कुछ। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर। बट आई एम टेकिंग फीडबैक। हेलो सर, इसमें सर इसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूटर के पास तो एक आइटम आ रहा है, वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर को प्रेफर करे वो एक साथ, इसमें एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को प्रेफर करता है अपना सॉफ्टवेयर लास्ट डिस्ट्रीब्यूटर को, ये भी दिक्कत आती है थोड़ा। मतलब कोई आइटम है वो दो तीन डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल है, तो दो तीन डिस्ट्रीब्यूटर को प्रेफर करना चाहिए। ओके बट हमारे पास ये करना चाहिए सर, क्योंकि शॉर्ट बुक में ऑर्डर करते टाइम से दिक्कत आ रही है सर, जितने डिस्ट्रीब्यूटर मतलब मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर प्रेफर का ऑप्शन होना चाहिए वहां पर। ओके सर, जैसे मंडे को कोई पार्टी मतलब ऑर्डर देना है, मतलब सॉरी मंडे को कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है संडे को ऑर्डर देना है, तो जो प्रोडक्ट है ना वो वाले डिस्ट्रीब्यूटर के पास मतलब शॉर्ट बुक में नहीं आता, वो दूसरे के पास चला जाता है, उसकी वजह से नहीं क्या सर स्टॉक में मतलब ये हो जाता है? अच्छा ओके सर, करंटली हमारे पास वो डेटा नहीं है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर कब डिलीवर करता है, लेकिन यूज केस मैं एक बार लिख देता हूँ कि कैसे काम करता है, और उस पर अगर कुछ होता है डेवलपमेंट तो यू विल बी इन्फॉर्म्ड, वो आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके या आइए अनवर सर। हेलो। यस सर। मैं ऑडिबल सर। यस यस प्लीज। सर मेरा बहुत सारा क्वेरीज है, मैं बहुत पहले से आपका सब्सक्राइबर हूँ, लेकिन बीच में टाइम नहीं मिलता था या थोड़ा बिजी रहते थे, तो उस हिसाब से हम ये नहीं कर पाते थे। मैं एक्चुअली होलसेल में डीलिंग करता हूँ, तो मेरे को ना बहुत सारा कस्टमर्स बहुत सारा केमिस्ट रहता है, उन लोगों को हाफ में बिल प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि मान लीजिए 10 एक का बोनस है, 10 पत्ता में एक पत्ता फ्री रहता है, तो उसमें क्या होता है बहुत लोग बोलते हैं कि हमको हाफ दीजिए, मतलब 0.5 ऐसा होता है, तो वो हम नहीं दे पाते हैं, वो बिल में शो नहीं होता है। ओके, होलसेल में नहीं है सर ऐसा, ये वाला फैसल। ओके ठीक है। नीलम, do you have any idea about it? हम इससे पहले बहुत पहले जब Currently, this is not possible in wholesale. Actually, है नहीं feature,
you're right about that. Okay. Madam, it's been 6 months I'm using, and I told many times, but it is not solved yet. So wholesale ke liye we are developing a whole another product. So aap wo use kar sakte. तो आप हमको बोलिए कौन सा यूज करना है, वो हम करेंगे। वो अभी डेवलप पूरी तरीके से हुआ नहीं है, टेस्टिंग फेज में है, हो जाएगा तो आप वो यूज कर सकते हैं। एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम होता है मेरा बीटूबी होलसेल का, जब लिए थे तब बीटूबी होलसेल बोल के ही लिए थे कि हमको बीटूबी होलसेल में ज्यादा है। केमिस्ट है अलग से, छोटा केमिस्ट है, लेकिन होलसेल में ज्यादा डीलिंग करते हैं। और दूसरा बात यह है मैडम कि हमको रिपोर्ट निकालना होता है कि किसी पार्टी का, मान लीजिए कि जैसे कि हम एक स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे, रुकिए। सर आई कैन डू वन थिंग, आई विल हैव समवन कनेक्टेड विद यू फ्रॉम सपोर्ट टीम। आप एक बार अपनी केमिस्ट आईडी जो है वो कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए, सो आपकी जितनी भी क्वेरीज है ना सब एक साथ ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हम थोड़ा देर पहले ट्राई किए थे तो ये नहीं कर पाए हमको, हम फिर भी हम जो ये है हम भेज दे रहे हैं आपको, मेरा जो ये आईडी है फोन में दे रहे हैं, लेकिन मेरा प्रॉब्लम बहुत सारा है मैडम, थोड़ा सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, क्योंकि हम बहुत दिन से। आप सिर्फ आईडी ड्रॉप कर दीजिए, मैं कनेक्ट करवा देती हूँ किसी को। ठीक 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 ओके। और बाकी नया फीचर्स अगर कुछ होता है तो हमको, उतना बहुत दिन से गैप में थे और बहुत दिन से जुड़ नहीं पाए, आज अचानक से मन किया कि चलो 4 PM का रोज ये हो रहा है तो हमको एक बार कनेक्ट होता है तो देखे आज सब ठीक ही है। लेकिन मेरा वो जो सारा प्रॉब्लम है मैडम, वो सारा बहुत सारा प्रॉब्लम है मेरा, वो थोड़ा सॉल्व करने के लिए बोल दीजिए प्लीज। अच्छा पूजन भाई, अब जो जो अपन स्टॉक ट्रांसफर करते हैं ब्रांच टू ब्रांच या वेयर हाउस टू ब्रांच, उसमें लूज स्ट्रिप का कोई तरीका है क्या ट्रांसफर करने का? स्टॉक ट्रांसफर में सर लूज में नहीं है, आई थिंक स्ट्रिप में ही है सब कुछ। स्ट्रिप में ही है ना, तो कई बार क्या होता है जैसे 15 टैबलेट देनी है, 15 वहां पे पड़ी है, वो मंगाई और तुरंत देनी है, तो उसमें बड़ी मुश्किल है, उसका कोई तरीका समझ में नहीं आता क्या करें उसका। एक स्ट्रिप तो ट्रांसफर हो गया, 5 को कैसे एडजस्ट करें? I think अभी तो नहीं है हमारे पास ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट भी अभी तक आई तो नहीं है लूज की, तो कभी भी नहीं। पर आपसे चेन फार्मेसी वाले जो लोग जुड़े हुए हैं वो कैसे मैनेज करते हैं फिर इस तरह से, मतलब अपने ब्रांच स्टोर से मंगाया और किसी को देना है तो कैसे मैनेज करते हैं? जब तक मुझे पता है सर वो लोग कभी लूज में नहीं बेचते, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर कभी लूज में नहीं बेचता, वैसे वो लोग भी ब्रांच टू ब्रांच करे या वेयरहाउस टू ब्रांच करे कभी लूज में नहीं बेचते। रिटेल टू रिटेल तो जाता ही है ना, आपने ब्रांच टू ब्रांच। हां लेकिन सर वो भी स्टॉक ट्रांसफर ही होता है ब्रांच टू ब्रांच भी। हां वो तो पता है मुझे, पर लूज को कैसे मैनेज करें, मतलब स्टॉक में अभी मैं 15 गोली बेच रही है सपोज, और 15 गोली मैंने मंगाई वहां से, थीम सपोज 15 ही थी, वहां पर थी नहीं, और अब 15 को बेचूंगा तो मैं एक स्टॉक ट्रांसफर हो गया, अब 5 गोली को कैसे बेचूं? हां सर वैसा आप जैसा बोल रहे सेम ऐसा अभी तक हमारे पास कोई यूज केस या रिक्वायरमेंट नहीं आया उनको। अरे गर्ल सर जी, एक पत्ते में कितनी आप कट कर लोगे? 10 टैबलेट होती हैं, उसमें भी आप एडजस्टमेंट चाह रहे हो ब्रांच टू ब्रांच? नहीं नहीं, बहुत ऐसा है कि बड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट है अभी, हमारी क्या हमारी ब्रांचेस के पास पास है, मतलब एक ही एरिया में, तो क्या होता है कि आप थोड़ा बड़ा बनने की कोशिश करो, बड़ा बनना ही पड़ेगा आपको, ये अपोलो और इनसे टक्कर लेनी है ना आपको, तो आपकी वैरायटी को है ना कहीं ऐसे आइटम भी आपको रखने पड़ेंगे जो कि एक ही जगह रखा है लेकिन 3 जगह काम आ रहा है वो, समझ गए? अब एक ही जगह डिमांड आई तो आपके शॉर्ट एक्सपायरी, आप इसलिए नहीं मंगाते कई बार के यार एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन 4 दुकानें आपकी तो एक जगह तो बेच ही देंगे कहीं, उस केस में ये दिक्कतें आती हैं, और कस्टमर को टाइम है नहीं किसी को, आपको बताइए। नहीं वो आपकी बात सही है, वो कुछ कैंसर मेडिसिन ही होती हैं जो ज्यादा कॉस्टली होती है, जिसमें पत्ते में लूज आप जो कह रहे हो वो इधर उधर आप जो ब्रांच में वो करने की, वरना हम तो पत्ता ही खरीद लेते हैं ये, मतलब पूरा ही, मतलब इतना कोई नहीं, अपने खरीदने की बात नहीं हो रही, कस्टमर के लिए बात हो रही है। हाँ जी, कस्टमर को बेचने की बात हो रही है, अपने खरीदने की तो बात ही नहीं हो रही ना। मनोज सर इसमें करंटली हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि आप लूज में स्टॉक ट्रांसफर कर पाएं, बट आई विल स्पीक टू हामिद और नितेश अबाउट दिस। हां ओके, आपसे बात कर लेंगे इसके लिए। एंड डज एनीबॉडी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द सहायस परचेस प्रोसेस? I think we can wrap this meeting if nobody has any questions. Okay, thank you everyone.